बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की जो हमारे टॉपिक है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि एक्स हम कैसे क्यों फाइंड आउट करते हैं। असल में क्या होता है कि किन इश्यूज़ किन प्रॉब्लम्स में हमें एक्स दिया जाता है कि इसका वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, एक्स हम उसी जगह पर रखते हैं जिसका वैल्यू हमें मिला हुआ नहीं होता। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो उस जगह पे हम एक्स लिखते हैं कि इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने कुछ सवाल लिखे हैं आप लोगों के साथ, वो कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें और उनसे रिलेटेड जो भी एक दो क्वेश्चन आए रास्ते में उसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन लिखे मैंने आप लोगों के पास। सबसे पहले जो है एक्स माइनस सेवन इज इक्वल एट, इसको पहले सॉल्व करेंगे कैसे। एक्स माइनस सेवन इज इक्वल एट। ठीक है, अभी जो हमें फाइंड आउट करना होगा ना वो यहाँ पे यहाँ इज इक्वल के इस साइड से अकेला हमें बचाना है। ये हमें जो है ना इज इक्वल के इस साइड को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये एक रूल है कि अगर कोई भी डिजिट आप इज इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करते हैं ना। ठीक है, तो हमें जो है ना इज इक्वल के इस साइड जितने भी डिजिट्स हैं वो इस साइड पर शिफ्ट करने होंगे, तभी जाके ये अकेला बचेगा। अच्छा, ये इज इक्वल के इस साइड शिफ्टिंग करने का जो रूल है वो क्या है कि डिजिट अपनी चार चेंज कर लेता है। फॉर सपोज़ यहाँ पे माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ पे माइनस में हो जाता। मल्टीप्लाई का डिवीजन में और डिवीजन का मल्टीप्लाई में हो जाता। कैसे, फॉर सपोज़ माइनस अगर इज इक्वल शिफ्ट कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। मल्टीप्लाई होगा तो किस में होगा, डिवीजन में, और प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही रूल है इसका। तो आ जाएँ इसी तरह हम ये सॉल्व कर लेते हैं। किसी को फाइंड आउट करना है वो हम अकेला करेंगे यहाँ पे ये एक्स। ठीक है, ये माइनस सेवन में तो बराबर के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सेम इज इक्वल ये एट ये प्लस सेवन। ठीक है, अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे कि एक्स इज इक्वल एट प्लस सेवन इज इक्वल कितने हो गए, फिफ्टीन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरह फॉर सपोज़ कोई और कर लेते हैं। फॉर सपोज़ है आपको कहा जाए कि थ्री एक्स इज इक्वल थर्टी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या एक्स मालूम करना है। एक्स क्यों लिखते हैं, जिसका हमें वैल्यू की पता, जिस वैल्यू का हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अच्छा जो भी इसी तरह से आपको वैल्यू दिया जाए ना, वो अगर डिजिट और किसी साइन के बीच में कोई और निशानी ना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई तस्लीम करते हैं। कैसे, फॉर सपोज़ अगर आपको दिया जाए कि टू सी, मतलब इनके दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर थ्री सी थ्री वाई तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक, उसी तरह ये हमें जैसे दिया कि मतलब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। आ जाए ये एक्स इज इक्वल थर्टी डिवाइडेड बाई थ्री। वन टाइम थ्री इज थ्री, टेन टाइम थ्री इज थर्टी, मीन्स एक्स इज इक्वल टेन। ये आपको सामने आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप जो है ना इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, फॉर सपोज़ आपका एक्स का वैल्यू दस आ गया ना, तो कैसे करेंगे। फॉर सपोज़ सेम लिखेंगे आप ये थ्री इज इक्वल थर्टी है ना। ठीक है, एक्स यहाँ पे नहीं, तो एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला, दस। यहाँ पे एक्स और थ्री के बीच मल्टीप्लाई था ना, तो अगर हम उससे थ्री ठीक तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री इंट टेन इज इक्वल थर्टी। ये थर्टी इज इक्वल थर्टी, देखो एक दूसरे के बराबर हो गए ना। अच्छा, इसी तरह एक और हमारे पास इक्वेशन आई है, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना दो चार्ज है, एक सेवन भी है दूसरा दो भी है। हमें इन जो है ना डिजिट्स को साइड इज इक्वल के इस तरफ हमें शिफ्ट करना होगा। आपको ऑलरेडी बताया कि इस साइड की जितनी भी उसकी जो भी चार्ज होगी वो यहाँ पर आके चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मल्टीप्ला है और एक सॉरी एडिशन में है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको मुख्तलिफ चार्जेस के डिजिट्स मिल जाएं तो आप सबसे पहले कौन सा शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो है ना डिवीजन का शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डिवीजन, उसके बाद
एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर लास्ट में आप क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना, जहाँ पे डिवीजन नहीं है एडिशन और वो, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, कैसे क्या हो जाएगा, ये 7y = 44, यहाँ पे प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 7y = 44 - 2 = 42। अभी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये क्या डिवीजन में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, y = 42/7। ठीक है, 1 × 7 = 7, 6 × 7 = 42, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, y = 6।